नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल आप सभी इलेक्ट्रीशियन के लिए और प्लम्बर के लिए भी, क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोरवेल मोटर है जो कि दोस्तों यहाँ पे नीचे फंस चुका था, पूरी तरह से फंस चुका था। और यहाँ पे दोस्तों ये जो पाइप है ना, पाइप दोस्तों आप देख सकते हैं ये कॉलम पाइप है, पीवीसी कॉलम पाइप है, ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है। और फंसने की वजह से दोस्तों देखिए यहाँ पे इसको कैसे निकाला गया, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। अगर ज़्यादा ताकत लगाते तो ये पाइप टूट भी सकता था, लेकिन इसको कड़ी मशक्कत करने के बाद ये मोटर निकल गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दोस्तों ये मोटर क्यों फंसा था और आपको आगे क्या सावधानियाँ बरतनी है ताकि जो है ये मोटर आपका फंसे ना, ठीक है। और अगर दोस्तों यही मोटर अगर GI पाइप के जरिए इंस्टॉल होता ना तो काफ़ी इजीली से उसको चैन पुलिंग मशीन से हम निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो भी है, मेहनत करने के बाद ये समरसेबल मोटर निकल गया है, पुराना वाला यहाँ पे है, नया वाला अभी यहाँ पे रिप्लेस करके नया वाला यहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरा इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस क्या है कंप्लीट जानकारी के लिए आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। तो दोस्तों अब आइए यहाँ पर जो नया वाला मोटर है उसको इंस्टॉल करना मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोरवेल दिख रहा है, 4 इंच का ये बोरवेल है। कितना फिट हुआ है सर ये बोर, कितना फिट हुआ है? 365 फिट का ये बोर है। और अभी यहाँ का दोस्तों ये पूर्वांचल एरिया है, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, तो यहाँ का जो ये वाटर लेवल है दोस्तों, ये हमारे यहाँ पे 20 से 25 फिट पे पानी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो ये बोरवेल है और अभी यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉम्पटन का ये समरसेबल मोटर है, ठीक है। और अभी दोस्तों यहाँ पर ये जो मोटर है क्रॉम्पटन का, अपना स्टेज जो है इसका 10 स्टेज का मोटर है और 1.5 HP का मोटर है ये, ठीक है। 1.5 HP का डोमेस्टिक मोटर है, प्रेशर दोस्तों काफ़ी बढ़िया आएगा, अभी लास्ट में आपको इसका प्रेशर दिखा दूंगा। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है ये देखिए, कंपनी के साथ में दोस्तों यहाँ पे 1.5 मीटर वायर मिलता है ज्वाइंट करने के लिए, और 90% जो मोटर दोस्तों जलता है ना वो ज्वाइंट के कारण ही जलता है। ज्वाइंट करना अभी मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर ज्वाइंट कैसे करते हैं ताकि जो है मोटर वगैरह जले ना, क्योंकि देखिए अगर ज्वाइंट फेल हो गया, अर्थ लीकेज आएगा तो ये मोटर जल जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखिए दो पार्ट में आता है ये दोस्तों, ये मोटर है और ये इसका हेड हो गया यानी कि पंखी हो गया। इसमें दोस्तों एम्पिलर जो है टोटल 10 एम्पिलर लगा हुआ है जिसको हमने स्टेज कहा है, ठीक है। देखिए अब इसका रूटर मिलाएंगे पंखी का और यहाँ पर ये जो मोटर है इसका, दोनों मिला के देखिए यहाँ पर प्रॉपर, अभी देखिए ये बैठ गया पूरी तरह से। अब यहाँ पे चारों नट को लगाएंगे, एक साथ टाइट करना है, ऐसा नहीं कि एक को पहले टाइट कर दूँ बाकी बाद में, एक साथ टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद इसको ज्वाइंट करके उसके बाद इसको इसमें इंस्टॉल किया जाएगा। ज्वाइंट करने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाटर प्रूफिंग टेप है, ठीक है। इसको लगाना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होता है, अगर इसको आप नहीं लगाएंगे मोटर का जो ज्वाइंट है वो अर्थ लीकेज होगा और मोटर जल जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप इसको इंस्टॉल करें तो ये वाटर प्रूफिंग टेप को लगाना मत भूलिए, ठीक है। चलिए पहले इसको टाइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों वायर को ज्वाइंट करने के लिए देखें, कभी भी आपका ये जो तीनों ज्वाइंट दिख रहा है ना, ये तीनों एक साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट है गर्म होता है और अगर तीनों एक साथ रहेगा ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मोटर आपका जल जाएगा, ध्यान रखिए। अब देखिए आपको कैसे करना है, आगे पीछे ज्वाइंट करना है, तीनों जो ज्वाइंट है ना, ये मेंस वाला और ये रोटेशन चेंज करने वाला, सबका अलग अलग होना चाहिए, आगे पीछे होना चाहिए। देखिए अब देखिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं तीनों जॉइंट कंप्लीट है, आगे पीछे जॉइंट है ये। अब यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप को लगाएंगे। आइए भैया रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंसुलेशन टेप कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाटर प्रूफ टेप है, ठीक है। ऊपर वाला इंसुलेशन यहाँ पे हटाएंगे, गार्ड दिया हुआ है ताकि खराब ना हो। उसके बाद अब इसको यहाँ पे लगाएंगे, वाटर प्रूफिंग टेप है, वाटर लीकेज को रोकता है ये, ठीक है। यहाँ पे वाटर के संपर्क में आएगा नहीं ये। देखिए अब यहाँ से पे इस तरह से लपेटते हुए जाएंगे, देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे लगाना है वाटर प्रूफिंग टेप। इसको लगाने के बाद यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो ये पूरी तरह से यहाँ पे दोस्तों ये कवर हो जाएगा, वाटर लीकेज यहाँ पे अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। देखिए अभी यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक वाला टेप लगाया गया है, उसके बाद फिर यहाँ पे वाटर प्रूफिंग टेप, फिर उसके बाद एक लेयर यहाँ पे और देना है ये इलेक्ट्रिक वाला, उसके बाद ये ज्वाइंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ज्वाइंट कंप्लीट हो रहा है, और इससे पहले अब आइए यहाँ पे मैं बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये जो अपना ये देख सकते हैं पुराना वाला जो मोटर है ना, देखिए यहाँ पर ये फंसा क्यों था। देखिए
देख रहे ना किस तरह से यहाँ पे निकाला गया है। यहाँ पे इसके अंदर दोस्तों सीमेंट प्लास्टर का मसाला गया हुआ था, और देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए केबल जो है ना, देख सकते हैं क्या हाल हुआ है यहाँ पे, ये पूरी तरह से कट गया है। ठीक है, देखिए अभी दोस्तों यहाँ पे जब भी मोटर आप इंस्टॉल करें ना, तो ऊपर वाला दोस्तों ऊपर वाला जो फनल होता है जहाँ पे एडाप्टर के ऊपर क्लैंप लगा होता है, यानी कि जो मेन आउटलेट जहाँ से निकलता है आप टैंक में ले जाते हैं या कहीं भी ले जाते हैं, तो उसको दोस्तों प्रॉपर अच्छी तरह से कवर करके रखना है। ठीक है, यहाँ भी दोस्तों हमने पूरी तरह से कवर करके रखा था। ये देखिए यहाँ पर ये जो गार्ड है ना कवर, इसका देखिए यहाँ से सपोर्ट वायर निकला था, और इधर से दोस्तों जो मेन केबल है समरसिबल का वो निकला था, और यहाँ पर अब इसके बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं रहता है कि बोरवेल में बड़ा टुकड़ा चला जाए। ठीक है, तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आपको। और यहाँ पे जब हम लोग मोटर को निकाले हैं तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए इतना बड़ा टुकड़ा इसके अंदर गया हुआ था, और इतना बड़ा टुकड़ा जाने का रास्ता दोस्तों ये है कि ये पहले से ही गया होगा। ठीक है, कवर लगाने के पहले ही गया होगा, इसलिए ये दिक्कत आया है। तो अब ये सब सावधानियाँ बरतना है आपको। अभी जो मोटर हम लोग ये नया वाला क्रोमटेन का जो अभी यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, उसको बिल्कुल सावधानीपूर्वक यहाँ पर अंदर डालेंगे, और बाद में फिर यहाँ पे दोस्तों फाइनल में ये कवर हम लगाएंगे। कोशिश आपको यही रखना है कि एसी के अंदर किसी भी तरह का बड़ा टुकड़ा ना जाने पाए, इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। देख सकते हैं केबल पूरी तरह से कट गई है। ठीक है, तो अब आइए देखिए यहाँ पे मेरा जॉइंट जो है अभी कम्प्लीट होने वाला है, ये देखिए उसके बाद इसको हम लोग बोरवेल में डालेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये जो अपना क्रोमटेन का मोटर है पूरी तरह से रेडी है इंस्टॉल करने के लिए बोरवेल में। देखिए जरूरी पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये मोटर है और ये इसका हेड है। ठीक है, 10 स्टेज का मोटर है, 10 एम्पीलर यहाँ पे लगा हुआ है जो कि पानी को काफ़ी तेजी से ऊपर फ्लो करता है। वाटर लिफ्टिंग जो कैपेसिटी है दोस्तों इसका ये है, 12 मंजिला तक ये पानी को आसानी से पहुँचा सकता है। ठीक है, देखिए ये मोटर है और ये इसका पंखी है। केबल गार्ड यहाँ पे लगाना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी, अगर आप नहीं लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो हॉल हुआ है ना इस तरह से कट सकता है, इसलिए केबल गार्ड लगाएंगे। और यहाँ पे ये जो रूटर है ना दोनों पंखी का मोटर का, वहाँ पे ये जाली लगाएंगे ताकि जो है मोटा कचरा वगैरह ना जाए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इस तरह से अडाप्टर लगा के ये पूरी तरह से कम्प्लीट है। सपोर्ट वायर भी हमने यहाँ पे लगा दिया है, और यहाँ पे केबल है, टिप करते हुए जाएंगे दोनों को। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे बोरवेल में इसको हम लोग डालेंगे। पहले दोस्तों ये 70 फीट पे इंस्टॉल हुआ था, लेकिन अभी इसको हम लोग 50 फीट पे इंस्टॉल करेंगे, दो कॉलम पाइप को हम लोग निकाल देंगे ताकि जो है दोस्तों पानी का जो फ्लो हो ना वो ज़्यादा हाइट तक लेके जाएंगे। यहाँ पे टिप करते हुए जाएंगे, टिप लगा देना आपको ताकि जो है ये सपोर्ट वायर या फिर ये केबल जो है निकालते समय जब आप दोबारा निकालेंगे ना तो दिक्कत होगी। लगाते जाएंगे कॉलम पाइप, टेफ्लॉन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें रिंग रहता है, पीवीसी वाशर रहता है ताकि जो यही लीकेज को रोकता है। देखिए अभी इसको हमने 20 फीट है, ये टोटल 20 फीट जा रहा है, ये तीसरा मेरे हाथ में है, ये 30 फीट। ठीक है, यहाँ पे ये 30 फीट हो गया, 30 फीट जा रहा है नीचे, टेप लगाते हुए जाएंगे। अभी देखो देख सकते हैं ये चौथा पाइप है, यानी कि अभी हमने 40 फीट यहाँ पे डाल दिया, 10 फीट और हम लोग डालेंगे लास्ट वाला जो पाइप है। तो आप देखिए यहाँ पे दोस्तों ये लास्ट पाइप है अभी अपना, ये 50 फीट हो गया। अब देखिए अभी दोस्तों ये फाइनल है, 50 फीट अपना ये नीचे चला गया है। अब देखिए यहाँ पे सावधानी से दोस्तों ये जो कवर है ना कवर को लगाएंगे ताकि जो है नीचे किसी भी प्रकार का कचरा इसमें जाने ना पाए। तो अब दोस्तों देखिए मोटर को मैं पूरी तरह से इंस्टॉल कर दिया हूँ, कवर भी यहाँ पे लगा दिया गया है सेफ्टी कवर, ताकि जो इसके अंदर कोई बड़ा टुकड़ा ना जाने पाए बोरवेल में।
अभी इसको मैं प्रेशर को आपको दिखाने के लिए इसको मैं ऊपर रोका हूँ। बाद में दोस्तों प्रेशर दिखाने के बाद यहाँ पे यूनियन लगा दूंगा मैं ये पूरी तरह से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मोटर को मैं ऑन कर दिया हूँ। 1.5 HP का क्रोमटिन का मोटर है अपना, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों प्रेशर अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। प्रेशर इसका कैसे टेस्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप प्रेशर को टेस्ट करने के लिए प्रेशर गेज भी लगा सकते हैं, लेकिन ये देखिए अभी यहाँ पर ये 7 इंच का आउटलेट है, उसके बाद यहाँ रिड्यूस किया 1 इंच का, 1 इंच यहाँ पर ये आउटलेट बन रहा है, लेकिन 1 इंच से दोस्तों ये फैल के दे रहा है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों प्रेशर इसका भरपूर है, देखिए प्रेशर अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे अपना जो ये क्रोमटिन का 1.5 HP का मोटर है दोस्तों ये सक्सेसफुली पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर इसका अच्छा है, ठीक है। टोटल वाटर लिफ्टिंग कैपेसिटी दोस्तों 160 फीट है, अभी हमने 50 फीट यहाँ पे डाल दिया है और बाकी जो है दोस्तों जो बच रहा है वाटर लिफ्टिंग कैपेसिटी वो जाएगा अपना वो टैंक को भरने के लिए, ठीक है। तो देखिए मोटर पूरी तरह से इंस्टॉल है, हमको दिखाई बात प्लीज। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में अभी मुझे आपको ये अवेयर करना था कि दोस्तों यहाँ पे ये समर्सिबल मोटर को आप प्रॉपर तरीके से कैसे इंस्टॉल करेंगे, जॉइंट उसका प्रॉपर तरीके से कैसे लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो जॉइंट है ना जॉइंट की वजह से ही 90% जो मोटर है वो जल जाता है, ठीक है। तो अभी देखा आपने जॉइंट करना मैं आपको सिखाया, समर्सिबल को स्टार्ट करके देख सकते हैं, प्रेशर भी मैं आपको दिखाया। तो आज का वीडियो दोस्तों पूरा हुआ, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। और साथ में ही आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा किसी अगले वीडियो में नट ऑफ के साथ।